कहानी थोड़ी जुदा जुदा सी है। एक ऐसी लड़की जो एक लड़के पर मरती है और लड़का जो उसके साथ ना होकर भी हर पल उसके साथ रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीतांजलि और अभिमन्यु की, जो एक दूसरे से जुदा तो हैं पर फिर भी हर पल एक दूसरे के साथ हैं। अब जरा ये ही देख लीजिए, मौका तो ऋषभ की बर्थडे पार्टी का है और यहाँ मास्क डांस के बहाने अभिमन्यु फिर एक बार अपनी गीतांजलि के पास आ गया है। अभी तक तो ऐसा होता है कि जब भी मेरी एंट्री होती है तो डेफिनेटली मैं किसी ना किसी को चौंकाता हूँ, और बाय डिफॉल्ट या तो गीतांजलि होती है या ऋषभ होता है। तो आज मेरा प्लान गीतांजलि को चौंकाने का है। अभिमन्यु तो कुछ पलों के लिए आकर अपने गीतांजलि को अपने होने का एहसास देकर चला गया, लेकिन फिर गीतांजलि का हाथ थामा उसके भाई ऋषभ ने, और इन दोनों भाई बहनों की जोड़ी तो हिट है ही। वैसे गीतांजलि इस रेड कलर के गाउन में आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और शायद यही वजह है कि आपके भाई आपको लेकर इतने पजेसिव हैं। क्या है, पजेसिव है बहुत ज्यादा। वो चाहता है कि उसकी बहन हमेशा उसके पास रहे, उसकी नजरों मतलब उसके आसपास रहे, उसके उसकी निगरानी में रहे, भले वो देख नहीं पाता फिर भी कंट्रोल में रहे। जब यहाँ भड़कती है तो गुस्सा करता है, फिर जब प्यार से बात करती है तो वापस अच्छा हो जाता है। मौका तो ऋषभ के बर्थडे का था, लेकिन तोहफे में एक सवाल गीतांजलि ने ऋषभ से पूछ डाला, क्या ये आप ही सुन लीजिए। बिल्कुल, मैंने पूछा इनको दैट कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बट ओ माय गॉड ही जस्ट डजंट से एनीथिंग। बोलते हैं मूवी देखो और बाहुबली तो हम शायद एक साथ ही जाने वाले सब। क्लियर, अब देखिए आज का डेटा है। बच भी कैसे रहे? मैं होती तो बता ही देती कि कटप्पा ने क्यों मारा, ये पेट में दबा के बैठे हुए। वेल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको जाते जाते पर्दे के पीछे की मस्ती दिखाते हैं, जहां पर इन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।